नितिन जी, आप अपने क्षेत्र की बड़े मुद्दे बताइए, आपके क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? नितिन जी, आपने जो भी मुद्दे बताए, बात करें अगर आपके सोशल मीडिया पोस्ट की, तो आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर ये मुद्दे क्यों नहीं आते हैं? या तो आपको इन मुद्दों की जानकारी नहीं है, या फिर आप इन मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहते हैं। आपने अपने क्षेत्र की समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या बताई, पलायन की समस्या। तो पलायन की समस्या को आप किस प्रकार देखते हैं, इसको आप कैसे रोक सकते हैं? नितेंद्र जी, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो 2003 में मध्य प्रदेश सरकार पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि वर्तमान समय में 3,20,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो इसको कम करने का आपका क्या विजन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। मैं आपके साथ डॉली पांडे। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनको हराने के लिए मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट ने जोर तोड़ लगा दिया था। जी हाँ, हमारे साथ हैं नितेंद्र सिंह राठौर जी। नितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। नितेंद्र जी, आप अपने क्षेत्र की बड़े मुद्दे बताइए, आपके क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? देखिए, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, बुंदेलखंड रीजन में आती है, और बुंदेलखंड हमेशा से ही स्थिति ये रही है कि वहाँ सबसे बड़ी समस्या रही है पानी की जी। पानी मैं समझता हूँ सबसे मेजर समस्या है जी। उसके बाद दूसरी बड़ी समस्या वहाँ आज के समय में है बिजली जी। जिससे हर ग्रामीण अंचल में खासतौर पे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तीसरा, जो न केवल बुंदेलखंड में सभी जगह है, वो है बेरोजगारी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित रूप से जब पानी नहीं होगा तो किसान, कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहाँ किसानी करने में, खेती करने में हमारे किसान जो अन्नदाता हैं उनको दिक्कत आती है। बिजली नहीं होती है तो हर काम बिजली से होता है, लोगों को समस्याएं हैं। और बेरोजगारी हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ा, चाहे वो युवा हो और उन युवा जिनके ऊपर निर्भर हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके, उनके लिए तो बेरोजगारी का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे बुंदेलखंड के हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो मध्यम वर्गीय और मजदूर किसान भाई, क्योंकि जब ये समस्याएं रहती हैं तो मजबूरन उनको बड़े शहरों में पलायन करके जाना पड़ता है अपना पेट पालने के लिए। तो ये बहुत बड़े मुद्दे खास तौर पे बुंदेलखंड के हैं जी। नितेंद्र जी, आपने जो भी मुद्दे बताए, बात करें अगर आपके सोशल मीडिया पोस्ट की, तो आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर ये मुद्दे क्यों नहीं आते हैं? या तो आपको इन मुद्दों की जानकारी नहीं है, या फिर आप इन मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पर मेरे सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट होते हैं। जो भी समस्याएं मेरे क्षेत्र से संबंधित होती हैं, मेरे जिले से संबंधित होती हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे हमेशा इस तरह के पोस्ट होते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अभी आप सबने सुना होगा कि कुछ ही महीने पहले, लगभग 8 महीने हो गए, उपचुनाव हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, पूरे मध्य प्रदेश में हुए थे, जिसमें मैं भी एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी पृथ्वीपुर से था जी। और उसमें जिस तरह से सरकार के प्रभाव से जो भी चीजें की गई हों, वो मुझे नहीं बताने की जरूरत है। वो एक हर आदमी को मेरे क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश को पता है जी। किस तरह से उसमें लोभ लालच और हर तरीके से वोटों को डिस्टर्ब किया गया और वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई जी। तो ये सारे मुद्दे जो हैं मैं मानता हूं, लेकिन इस पोजीशन में जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं उनका अधिकार होता है, वो ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो पानी जो समस्या है, बिजली जो समस्या है, या गरीब को जो राशन मिलता है उसकी समस्या हमारे क्षेत्र में है, पलायन जो हो रहा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं। आप बताइए, मध्य प्रदेश में 17 वर्ष लगभग भारतीय जनता पार्टी को राज करते हो गए हैं, माननीय शिवराज जी लगातार मुख्यमंत्री हैं, और अभी बड़ा विश्वास उन्होंने जो हमारी पृथ्वीपुर विधानसभा से जो जीते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो चुनाव जीते हैं, पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद हर तरीके से सरकार ने उनको दिया था जी। तो अब विषय यह है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो बात अलग है। मैं तो, मेरे पिताजी अपना पूरा जीवन जनता की लड़ाई लड़ते रहे और मैं अपनी अंतिम सांस तक जनता की लड़ाई लड़ता रहूंगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं, 17 वर्ष जिनको सरकार में आए हुए हो गए हैं, वो इतने वर्ष में उन्होंने क्या किया जनता के लिए कि आज भी हमारे क्षेत्र में, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे हमारी विधानसभा हो, चाहे हमारा जिला हो, आज भी स्थिति वहीं की वहीं है कि गांव-गांव में बिजली नहीं है, पानी की समस्या अभी भी है, उसके अलावा
बेरोजगारी चरम सीमा पे है और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, राशन में भी समस्याएं हैं, उसमें भी राजनीति होती है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और मैं समय समय पे जो भी मुझे लगता है वो अपने सोशल मीडिया पे उस तरह के पोस्ट करता रहता हूँ और आगे करता रहूंगा। आपने अपने क्षेत्र की समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या बताई, पलायन की समस्या। तो पलायन की समस्या को आप किस प्रकार देखते हैं, इसको आप कैसे रोक सकते हैं? देखिए, ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, लेकिन जो भी सरकार में बैठे होते हैं उनके उसके लिए कार्य करने चाहिए। जैसे मेरा कहना है कि अगर हम युवाओं की बात कर लें और बेरोजगारी जिसमें हमने लिया, तो उसके लिए आपको आज आपके पास हमारे बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें हमारे युवाओं को कोई रोजगार मिल सके या कोई काम उनके लिए हो सके। मेरा मेरे पिताजी का सपना था, दुर्भाग्यवश वो पिछले वर्ष कोरोना में उनकी निधन हो गया। मैं इस चुनाव में भी मैंने उस मुद्दे को उठाया था और आगे भी मेरा प्रयास, जब मुझे अन्नदाता रूपी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और मैं विधायक बनूंगा या जो भी चीजें होंगी, मेरा प्रयास यही होगा कि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में जिसमें असीम संभावनाएं पर्यटन को बढ़ाने की है, मेरा प्रयास होगा। ओरछा रामराजा का मंदिर है, पवित्र स्थान है, जहां से हम लोगों ने कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो बनी थी उसमें नमस्ते ओरछा का कार्यक्रम हुआ था और उसके माध्यम से नगर में और उस क्षेत्र में विकास करने की शुरुआत की थी और उसी कड़ी को आगे ले जाने का हम लोगों का प्रयास था कि हम एक पर्यटन का एक सर्किट बनाएंगे जिसमें तमाम जगह जो जहाँ सबसे बड़ी समस्या जो हमारे युवाओं के लिए है उनके लिए रोजगार क्रिएट कर सके हम पर्यटन के माध्यम से, वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और हमारे अन्नदाता भाई बहन जब पानी नहीं होगा, जब चीजें उपलब्ध नहीं होंगी तो वो खेती कैसे करेंगे, उनके लिए सही मार्केट भी नहीं है कि वो कहाँ अपनी चीजों को बेचें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि समस्याएं जो पलायन की है वो इसी कारण से होती है, तो इसको दूरी करने के लिए कैसे हम उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करें, पानी की समस्या को दूर करें, बिजली 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी बिजली, आप हमारे क्षेत्र में भी जानकारी ले सकते हैं कि गांव-गांव में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर्स रखवाए थे और बिजली बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन आज जो बिजली की दशा है पूरे गांव-गांव में बिजली कट रही है और लोग परेशान हैं इससे। तो जब तक ये मूलभूत समस्याएं रहेंगी तब तक पलायन रुकने वाला नहीं है, हमें इस पर गंभीर निर्णय लेने होंगे और ऐसे रोजगार और ऐसे इंडस्ट्रीज अपने ही क्षेत्र में बुंदेलखंड में लगाने पड़ेंगे और प्रयास करना होगा जिससे इसको हम रोक सके। जी, चलिए बात करें अब पृथ्वीपुर की, तो पृथ्वीपुर में इतिहास बदल गया है। बात करें नगर पंचायत की या फिर जनपद पंचायत की, तो देखें कि इस बार दोनों भाजपा के पास है जो कि पहले कांग्रेस के पास हुआ करती है, तो इसका क्या कारण है, क्यों है ऐसा? देखिए, पहली बात तो जनपद पंचायत या क्या बोला आपने, नगर जनपद पंचायत तो कोई पार्टी से तो चुनाव हुआ नहीं है, और दूसरी बात ऐसा नहीं है कि उसमें हमारे लोग नहीं गए हैं, लेकिन हाँ हम लोगों ने उतना ज्यादा उसको जनपद पंचायत में गंभीरता से उसमें मेहनत नहीं की, लेकिन ऐसा भी नहीं है, हमारे लोग तमाम जीत कर आए हैं और जो जनपद अध्यक्ष पृथ्वीपुर में बने भी हैं वो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है उनके हैं लेकिन हम कहते हैं वो हमारे हैं, तो वो ठीक है क्योंकि वो पार्टी से नहीं था, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। नगर पंचायत चुनाव का जहां तक सवाल है, मैं इस बात को मानता हूं कि पृथ्वीपुर में हम इस बार जो भी कारण रहा हो लेकिन हम इस बार नगर पंचायत में कांग्रेस की नहीं बना सके, लेकिन पृथ्वीपुर विधानसभा में दूसरी जो नगर पंचायत है वहां पे जेरोन जो कभी कांग्रेस नहीं जीतती थी, इस बार हम वहां जीत कर आए हैं, तो हमारा रिकॉर्ड जो है 50-50 रहा, अगर हम एक हारे हैं तो एक हम जीते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण था, क्यों नहीं बन पाए? नहीं, कारण आप देखिए इसमें ये इस चुनाव में छोटी जगह में भाई, इससे पहले होते थे सीधे अध्यक्ष के लिए चुनाव, उसमें कांग्रेस मजबूत रहती थी अभी, अब ये चुनाव इस बार पार्षदों द्वारा चुने गए हैं, तो पार्षदों में अधिकतर क्या होता है कि व्यक्तिगत भी, हर वार्ड में व्यक्तिगत आपस में एक दूसरे की बुराई होती है, तमाम चीजें होती हैं, तो वो भी एक कारण था। काफी हमारे लोग, क्योंकि टिकट एक ही को दी जा सकती है, कुछ लोग निर्दलीय लड़ गए, उसका भी नुकसान रहा। और मैं मानता हूं कि जो भी है उसका और हम समीक्षा करेंगे और जहां हारे हैं वहां हम प्रयास करेंगे आगे कैसे हमारी कमियों में सुधार किया जाए और उसमें जीत कर आए, और जहां जीते हैं वहां पे मेहनत करेंगे और विकास के काम करेंगे जिससे आगे भी हमें जीतने का अवसर प्राप्त हो। जी, चलिए, आपके जिले में जो क्रेशर चलती है तो क्या वो मानक के अनुसार चलती है, और अगर नहीं चलती है तो कांग्रेस ने इसके लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं करा? देखिए, क्रेशर जो चलती है
मान्य भी चलती हैं, अमान्य तरीके से भी चलती हैं, लेकिन इस ओर ध्यान जो सत्ता दल में बैठे लोग हैं इस पे उनका ज्यादा दायित्व बनता है कि क्यों ऐसा है कि विधायक भाई आज तो अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, सारे मंत्री भाजपा के हैं, विधायक रेवाड़ी में भी, पृथ्वीपुर में भी भाजपा के हैं, जिले में तमाम विधायक भाजपा के हैं, तो उनका दायित्व सबसे ज्यादा बनता है कि इस ओर ध्यान दें। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जो अमान्य तरीके से चलती हैं क्रेशर्स उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और जब मेरे पिता मंत्री थे उन्होंने तो ओपनली कई बार स्टेटमेंट भी दिए कि मैं कभी भी इन चीजों के पक्ष में नहीं हूं, गलत चीजों के पक्ष में नहीं हूं, इल्लीगल चीजों के पक्ष में नहीं हूं। तो मेरा मानना है, मेरा तो अनुरोध है प्रशासन से कि अगर वो अमान्य तरीके से जो क्रेशर चलते हैं उन पे कार्रवाई करें, और जहां विपक्ष के रूप में हमारी जरूरत है हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हालांकि एक चीज और भी है कि कई क्रशर्स ऐसे हैं जिसमें तमाम जो लोकल के ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार भी मिलता है, तो मैंने कई बार उनसे चर्चा की तो काफी लोग इस पक्ष में भी रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो इल्लीगल तरीके से चल रहे हैं उन पे कार्रवाई ना हो। इल्लीगल क्रशर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए, जहां मेरे सहयोग की जरूरत है और जहां संघर्ष की जरूरत है वो हम हर तरीके से साथ में और करेंगे भी। चलिए, अभी एक मामला आपके क्षेत्र से सामने आया था जो था कि राशन घोटाला, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये मामला सच था या अफवाह था, और अगर सच था तो कांग्रेस ने इसके लिए क्या एक्शन लिया? देखिए, ये सच था कि झूठ था ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये घोटाला सामने आया था और इसकी पुष्टि कलेक्टर जो निवाड़ी उस वक्त थे उन्होंने भी की थी, और कांग्रेस पार्टी ने तो इसकी मांग भी थी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। हम लोगों ने कोशिश की है कि विधानसभा में भी इसका प्रश्न लगाने का प्रयास किया कि विधानसभा में इस आवाज को उठाया जाए, और मैं तो अभी भी प्रशासन से मांग करता हूं या जो भी जांच एजेंसीज हैं मैं उनसे मांग करता हूं कि इस तरह के घोटाले, क्योंकि इसका प्रभाव हमारी जनता पे पड़ता है, जनता का की जो बेसिक नीड्स हैं वो इस राशन पे टिकी होती हैं। और मेरा मानना है कि अगर इस तरह का कोई घोटाला होता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिन्होंने घोटाला किया है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे के लिए मिसाल बने और इस तरह की चीजों पे रोक लगे। और मेरा ये आपके माध्यम से हमारी जनता से भी कहना है कि हमारा जब समय आएगा इस तरह की जो भी चीजें हैं इनको उठाया जाएगा और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हम लोग मांग करेंगे। चलिए नितेंद्र जी, मध्य प्रदेश में जो भी अभी चुनाव हुए हैं उन चुनावों की अगर बात करें तो इनमें महिलाओं, सक्रिय महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित थी उन पर सक्रिय महिलाओं ने चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि नेताजी के परिजनों में अगर उनकी बात करें, पत्नी की, बेटी की या बहू ने चुनाव लड़ा, तो आपको नहीं लगता है कि सक्रिय महिलाओं का जो हक है, उनका अधिकार है, वो मारा जा रहा है, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है? देखिए, मेरा कहना यह है कि महिला शक्ति जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो भी उसके लायक हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक परिवार से हो या सामान्य परिवार से हो, अगर वो योग्य हैं और आगे बढ़ने में सक्षम हैं तो उनका सहयोग चाहे वो कोई भी पार्टी हो उसको करना चाहिए। और मेरा प्रयास अपने क्षेत्र में तो कम से कम यही है कि जो भी हमारी बहनें या जो भी योग्य हैं उनको आगे आना चाहिए, और जहां भी हमारी जरूरत है हम उनके साथ खड़े हैं, उनके हर तरह के सहयोग से और उनके संघर्ष के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, जहां भी उनको अपने भाई की आवश्यकता है मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और किसने क्या किया क्या नहीं किया मैं उस पर नहीं जवाब दे सकता हूं, लेकिन जहां हम लोगों की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी वहां हम सब लोग महिला शक्ति के साथ खड़े हैं और उनके सम्मान में आंच नहीं आने देंगे, और उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी आवश्यकता है हम सब उनके साथ हमेशा निर्भर रहेंगे, खड़े रहेंगे। नितेंद्र जी, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो 2003 में मध्य प्रदेश सरकार पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि वर्तमान समय में 3,20,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं, तो इसको कम करने का आपका क्या विजन है? देखिए, सबसे पहले ये हुआ क्यों, ये स्थितियां इसीलिए हुई कि अभी मैं सुन रहा था 2 दिन पहले गुजरात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये रेवड़ी कल्चर शुरू किसने किया भाई? अभी आप जो 5-5 किलो के थैले और तमाम चीजें जो आप बांटते हो वो क्या है जी? तो ये आप इससे बच नहीं सकते हो, ये शुरुआत, इसको बढ़ावा तो आप ही ने दिया। आप सबका, आप 17 साल से मध्य प्रदेश में सरकार बना के बैठे हो तो आपका दायित्व बनता, आपको नहीं मालूम कि हमारा खजाना कर्जे में कितना ज्यादा आ रहा है हमारा मध्य प्रदेश, और इसका प्रभाव उनको तो कुछ पड़ेगा नहीं, इसका प्रभाव एक एक आम नागरिक को पड़ेगा। ये महंगाई जो बढ़ रही है, आज पेट्रोल के दाम कहाँ जा रहे हैं, डीजल के दाम कहाँ जा रहे हैं, खाने पीने की चीजों के दाम कहाँ जा रहे हैं, खाने के तेल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए, तो ये दाम बढ़ रहे हैं। हम बात ये करते हैं कि हमें
अपने प्रदेश को सक्षम बनाना चाहिए, हमारी आर्थिक जो नीतियां हैं उसको कैसे सुधारना चाहिए, लेकिन आप राजनीति करते हो किस बात की, हिंदू मुसलमान की, जाति से जाति को लड़ाने की, ठीक है ना। अब पहले हिंदू मुसलमान था, अब आप जो हिंदू हैं उनमें ही तमाम आप ओबीसी एससी ये सब, मेरा कहना जो है जो योग्य है उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसका आपको समर्थन करना चाहिए। ये सब चीजें जब तक ये चीजें हमारे देश में हमारे प्रदेश में होती रहेंगी कर्जा हमारे ऊपर बढ़ता रहेगा, कोई ठोस नीति आपकी है नहीं। जैसे हमारे 15 महीने की कांग्रेस सरकार में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उनका एक विजन था और उनका विजन की शुरुआत इन्होंने तो बहुत हंसी उड़ाई, उन्होंने इंदौर में आईफा किया था, आपको याद हो आईफा की तैयारी थी जी। उसका बहुत विरोध किया कि वो तो नाचने गाने की चीजें हो रही हैं, ये होगा वो होगा, लेकिन उनका उद्देश्य उसके पीछे ये था, आप समझिए कि आईफा जैसी चीज हिंदुस्तान में पहले बॉम्बे में हुआ और फिर हमारे मध्य प्रदेश में होने जा रहा था, उसका फायदा पर्यटन में कितना होता, होटल्स को फायदा होता, टेंट वालों को फायदा होता, डेकोरेशन वालों को फायदा होता, और भविष्य के लिए कितना फायदा हमारे मध्य प्रदेश को होता, ये सब चीजें समझने की है। उनका विजन था किस तरह से कॉरपोरेट्स को लेके आना है जिससे हमारे प्रदेश में इम्प्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, तमाम चीजें उन्होंने सोच रखी थी। लेकिन आप बताइए कि जब से ये सरकार इन्होंने छल कपट के साथ गिराई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका क्या अचीवमेंट है पिछले 2 साल में, एक उपलब्धि बताइए अगर कोई अचीवमेंट हो सिवाय इसके कि जहाँ हिंदू मुसलमान कर दीजिए, यहाँ जाति से जाति को लड़ा दीजिए, और उसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं है। आज मुझे तो लगता है कभी कभी कि आजकल चुनाव का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव को प्रभावित किया जाता है कि आप कुछ नहीं, आप लास्ट ये कुछ चीजें जो है मैं आप मीडिया पे ओपनली नहीं कहूंगा, लेकिन प्रशासन के सहयोग से कई ऐसी चीजें होती हैं जो जिसका प्रभाव गलत जाता है हमारे समाज में। और मेरा मानना है कि चुनाव इसलिए होते थे कि अगर एक सरकार से कोई असंतुष्ट है तो वो दूसरी सरकार इसलिए बदलता था, या प्रत्याशी जिससे असंतुष्ट है तो दूसरा प्रत्याशी इसलिए जिताया जाता था कि वो अच्छे काम करे और बदलाव हो। और जब आप प्रत्याशी जिता लो या कुछ भी कर लो उसके बाद आप प्रत्याशी खरीद लो तो फिर वो बचा ही क्या। आप आरोप लगाते हो कि कांग्रेस ही बिकते हैं, लेकिन खरीदते तो आप ही हैं। मैं उन कांग्रेसियों का पक्ष नहीं कर रहा हूं जो बिकते हैं, लेकिन खरीदने वाले कौन है, मंडी किसने लगा रखी है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उनकी सरकार इसी पे चल रही है। तो ये सोचने का विषय है, जब तक ये चीजें होंगी हमारे समाज में कैसे आप सुधार लाओगे। आपको ध्यान देना चाहिए हमारी आर्थिक नीति पे, लेकिन आप ध्यान इस पे देते हो कैसे विपक्ष के विधायकों को तोड़कर हम और मजबूत हो जाएं, या जिसकी सरकार है उसको गिरा के उसके लोगों को खरीद के हम अपनी सरकार बना लें। तो आपका ध्यान अब ये है कि हम विपक्ष को खत्म कर देंगे, और प्रजातंत्र में विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। विपक्ष होगा तभी ये आवाज उठेगी और ये जनता को समझना होगा। आज 17 वर्ष हो गए हैं, अगले वर्ष मध्य प्रदेश में फिर चुनाव है। मेरा विशेष रूप से आग्रह जनता का है कि आप आकलन कीजिए कि कैसे हमें आगे अगर परिवर्तन अपने प्रदेश में लाना है और हमारी नीतियां जो बदल के आए जिससे हमारा आर्थिक रूप से सुधार हो और तमाम चीजों में सुधार हो, उसके लिए जनता को यह तय करना होगा कि जो 17 वर्ष की सरकार उसने क्या काम किया, और भविष्य में अगर कांग्रेस का जो भी एजेंडा होगा उसमें उनको विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बहुत अच्छे काम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी करेगी, और हम सब लोग तत्पर होकर पूरा प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा में, जनता के सम्मान में, जनता की प्रतिष्ठा में किसी तरह की आँच हम आने नहीं देंगे, और मिलकर उनकी राय से हम लोग अपने क्षेत्र में छोटे छोटे स्तर से और प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुत अच्छे कार्य करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, द आजाद आवाज के माध्यम से आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से सिर्फ यही कहूंगा कि आने वाले समय में जो हुआ वो हुआ, आने वाले समय में जो भी भविष्य के चुनाव है उसमें आप सही तरीके से आकलन कीजिए कि कौन सा प्रत्याशी जो सभी समाज को लेके आगे बढ़ रहा है और अपने क्षेत्र में विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और आपकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उसके लिए लड़ेगा, न केवल उसकी जाति देख के कि वो किस जाति का है या किस समाज का है। मेरा कहना है वो किसी भी समाज का हो लेकिन आपका हितैषी है और आपके हित में काम करने वाला अगर होगा आपको उसको अपना आशीर्वाद देना चाहिए। और एक बार 17 वर्ष आपने भारतीय जनता पार्टी को दिए, एक बार 5 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी को मौका देकर देखिए। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ काम करेगी और जो कमियां हैं उसको 5 साल में सुधार के अपने प्रदेश को प्रगतिशील बनाने में पूरा प्रयास करेगी, और आपका बेटा अपनी विधानसभा को प्रगतिशील बनाने में पूरा प्रयास करेगा।
नितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए ये थे हमारे साथ नितेंद्र सिंह राठौर जी, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर वीडियो हो आपके पास। धन्यवाद, बने रहिए आजाद आवाज के साथ।